अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग के टाइम से, और मैंने यहाँ दूध गर्म करने रख दिया था, चाय बनानी थी और अभी मैं चाय बना चुकी थी, और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पराठे और साथ में मैं फ्राई करूँगी ऑमलेट। सो बस यहाँ पराठे मैंने बना दिए थे और अरवा भी मेरे साथ ही आ गई थी, इसे मैंने चेंज करवा दिया था, फ्रेश करवा दिया था। सो बस यहाँ मैं पराठे बनाने लगी हूँ और पराठे तैयार हो चुके हैं, और मैंने ये इन्हें देसी घी में ही फ्राई किया था, ये लेकर आए थे हस्बैंड तो पड़ा हुआ था, और अरवा के लिए मैं ख़ास तौर पे एक स्पून यही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं घर पे भी अक्सर देसी घी बनाती हूँ, दूध की बलाई जो आ जाती है ऊपर उसे फ्रिज में मैं थोड़ा थोड़ा करके जमा करती रहती हूँ, जब वो इकट्ठी हो जाती हैं, ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर मैं उसका घी निकाल देती हूँ। आगे वीडियो मैंने उसकी वो भी बनाई है, वो क्लिप्स भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में चल के। और कुछ लोग कहते हैं कि देसी घी या घी यूज़ करने से जो है आप मोटे हो जाते हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, और बच्चों के लिए तो वह वैसे भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, सो आपको लाजमी देना चाहिए। छोटे बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं तो उनका अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाता है और उनकी सेहत भी अच्छी रहती है, और देसी घी खाने से आप कोई फैटी या मोटे नहीं होते हो, बल्कि हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बस नाश्ता हमने कर लिया था और अब यहाँ दोपहर का टाइम था, मैंने लस्सी बना दी थी, साथ में मैंने आलू मटर वाला पुलाव बनाया था, और ये अचार मैंने घर पे ही बनाया था, और कुछ लोग पका के बनाते हैं, मैंने पका के नहीं बनाया, इसे मैंने क्यूब्स में छोटी छोटी काट ली थी कैरियाँ, और जो मसाला वगैरह होता है कैरी का, वो अचार का सॉरी, वो सब मैंने डाल के इसे धूप में रख दिया था, वो 4-5 दिन इसे अच्छी तरह धूप लगाई है मैंने, और अब ये तैयार खाने के लिए। और अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए सो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी। बहुत ईजी है बनाना, कोई बहुत लंबी चौड़ी रेसिपी। लंच से फ्री होने के बाद हम आ गए थे यहाँ तारिक रोड डॉलमिन मॉल, सो क्योंकि करनी थी हमने ईद की शॉपिंग। ये असल में ईद उल अज़हा से 2 दिन पहले का वीडियो है जो मैं आपके साथ इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी, के लिए कुछ वीडियो भी रिकॉर्ड की हैं, साथ साथ मैं आपको प्राइसेस भी बताती रहूँगी। यहाँ आपको अनस्टिच स्टिच्ड शादी ब्याह के लिए मैक्सी और सूट्स जो हैं वो आपको अवेलेबल होंगे, छोटे बच्चों के कपड़े भी। ये सारा इनका न्यू अराइवल है, और यहाँ शादी ब्याह की बात करें तो सारे ड्रेसेस उनके प्राइसेस मैं आपके साथ मेंशन कर दूँगी, ऑफकोर्स सारी तो नहीं मेंशन कर सकती, इसके लिए आपने विज़िट करना होगा अगर आपने बाय करनी है तो। इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं, और अगर आपने मदर डॉटर ट्विनिंग थीम के लिए अगर आपको चाहिए यहाँ कपड़े, सो वो भी आपको काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। और काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे इनके जिन पे ऑफ चल रहा था, और मुझे ये ग्रीन वाला ड्रेस काफ़ी अच्छा लगा था, पिंक कलर की इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी पिंक एंड गोल्ड में, और मुझे बहुत पसंद आया था ये। और इसकी प्राइसेस जो मुझे याद हैं, साथ साथ मैं टैग्स आपको दिखाती जा रही हूँ, मेंशन करती जा रही हूँ, और हर साइज़ आपको कैजुअल वेयर में भी आपको मिल जाएंगे। काफ़ी अच्छे समरी प्रिंट्स यहाँ अवेलेबल थे, कुछ का स्टफ़ मुझे अच्छा लगा, कुछ का स्टफ़ इतना कुछ ख़ास नहीं था, और कुछ पे लेसिस का काम हुआ हुआ था, और यहाँ पे ये ब्लैक वाला मुझे बहुत अच्छा लगा था, और सेकंड ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था। इसके अलावा यहाँ बच्चियों के साइजेस भी मिल जाएंगे आपको, 10 से 12 साल की बच्चियों के और उससे थोड़ी बड़ी बच्चियों के भी साइजेस अवेलेबल थे, और बहुत अच्छे कलर्स थे, पीच के साथ जो है मरून कलर की लेसिस का काम हुआ था, ग्रीन कलर का ड्रेस था ये, और इसके ऊपर वाइट लेसिस का काम, वाइट एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, बहुत प्यारे ड्रेसेस थे, समर के लिहाज से बच्चियों पर बहुत प्यारे लगेंगे, ठंडे कलर थे और इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था। इसके अलावा अगर आपने यहाँ फैंसी ड्रेसेस देखनी है, लाइक बच्चियों की नेट की फैंसी फ्रॉक्स हों या बड़ों की, दोनों की आपको मिल जाएंगी, हर साइजेस में अवेलेबल हैं यहाँ, और फेरी फ्रॉक्स जो होती हैं वो भी थी यहाँ, काफ़ी अच्छे अच्छे बच्चों बड़ों दोनों के ड्रेसेस थे। अनस्टिच आपको यहाँ अवेलेबल होंगे, हर ब्रांड के सूट यहाँ मिल जाएंगे आपको। एक बार फिर बताती चलूँ कि ये डॉलमिन मॉल है तारिक रोड पे, और यहाँ आपको हर अच्छा ब्रांड अवेलेबल होगा यहाँ पे, एंड्रॉप, अलकरम, आउटफिटर, साया, जेड और एथनिक, आइडियाज़, सतरंगी, बोनांजा सतरंगी, काफ़ी सारे स्टोर्स और ब्रांड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ
इस शॉप पे दुपट्टों पर सेल लगी हुई थी, 50% ऑफ था। सिल्क ऑर्गेन्जा के दुपट्टे थे यहाँ। इसके अलावा ये वाला ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया था, इस पर ये बहुत ही प्यारी वाइट लेस के साथ वर्क हुआ हुआ था और स्टफ इस ड्रेस का बहुत ज़्यादा अच्छा था और बहुत प्यारा लगा था मुझे ये ड्रेस। इसके अलावा यहाँ पे आपको फैब्रिक्स में चिकनकारी कॉटन सिल्क की वैरायटी मिल जाएगी, टर्किश फैब्रिक और लॉन का इनके पास अवेलेबल था और साइजेस में इनके पास स्मॉल मीडियम अवेलेबल थे। इसके अलावा जब आप शॉप विजिट करेंगे तो इनके पास जो अवेलेबल होगी वैरायटी वो आपको शो करेंगे। इसके बाद हम यहाँ आ गए थे खाड़ी पे। खाड़ी पे बहुत अच्छी ऑफ चल रही थी और इसके अलावा खाड़ी पे बहुत अच्छे समरी प्रिंट्स आपको मिल जाएंगे। इनका न्यू अराइवल आया हुआ था और बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स थे और कलर्स बहुत अच्छे थे, प्रिटी। यहाँ आपको अनस्टिच और स्टिच दोनों तरह की वैरायटी मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ न्यू अराइवल्स आया हुआ था इसके, और कलर्स इसमें बहुत अच्छे थे। जो कलर्स आपको पसंद हो वो आप इसमें से ले सकते हैं, जो आप पे कलर सूट कर सकते हो वो आप बाय करें। काफ़ी अच्छे कलर्स थे, प्रिंट्स काफ़ी अच्छे थे। इसके अलावा यहाँ चुनरी प्रिंट में भी इनके पास अवेलेबल है और आजकल वैसे भी चुनरी प्रिंट बहुत ज़्यादा इन है। यहाँ डिफरेंट आर्टिकल्स, डिफरेंट डिज़ाइनिंग, डिफरेंट स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा जो कलर आपको इसमें से पसंद हो वो आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी पर्सनालिटी को सूट करता हो। 2 पीस अवेलेबल थे। इसके अलावा यहाँ मैं आपको एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे न्यू अराइवल्स पर कोई सेल नहीं थी। आप इनका वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं, वहाँ आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी। इसके अलावा यहाँ डॉल्मिन मॉल में ही एक और शॉप थी, यहाँ शादी ब्याह की वैरायटी आपको मिल जाएगी। मैक्सी फ्रॉक्स की काफ़ी अच्छी वैरायटी 1200 की रेंज में यहाँ पे दुपट्टे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे फैंसी कलेक्शन भी थी, शादी ब्याह के कपड़े आप यहाँ से ले सकते हैं। मैक्सी ड्रेसेस की कुछ की प्राइस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कुछ मैक्सी जो इनके पास अवेलेबल थी वो 8500 की रेंज में थी और काफ़ी अच्छा स्टफ था। इसके अलावा आप जैसा कि देख सकते हैं वीडियो में कि इनके पास कैजुअल वेयर भी अवेलेबल है, आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। इनकी शॉप पे 2 पीस आपको मिल जाएंगे लॉन फैब्रिक में और काफ़ी अच्छे समरी प्रिंट्स थे, काफ़ी अच्छे प्रिंट्स थे, आप इनकी शॉप पे विज़िट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये एक ज्वेलरी शॉप थी, इनकी शॉप पर काफ़ी अच्छी कल्चरल डेकोरेशन पीसेस जो है वो अवेलेबल हैं। वही देख के मैं इनकी शॉप में गई थी। यहाँ पे झुमके, कड़े की चेन की वैरायटी काफ़ी अच्छी है, एंटिक ज्वेलरी आपको मिल जाएगी, मेटल के बैंगल्स हैं और काफ़ी अच्छी इनकी ज्वेलरी है, आउट क्लास ज्वेलरी है। यहाँ आपको ज्वेलरी सेट्स मिल जाएंगे। इसके अलावा विंड चाइम है, 3 पीस कंप्लीट कड़े है और काफ़ी अच्छी अच्छी डेकोरेशन मैक्सी फ्रॉक्स की वैरायटी आपको शॉप पे मिल जाएगी। करेंगे तो आपको काफ़ी वैरायटी इनकी शॉप पे मिल जाएगी और सबकी प्राइसेस डिफरेंट हैं। इसके अलावा चेन्स भी हैं और झुमके वगैरह की वैरायटी इनके पास अच्छी है, की चेन्स हैं। अच्छा, साइड टेबल्स हो या इस तरह की कोई भी कॉर्नर हो जहां आपको उसे डेकोरेट करना हो, वहां इस तरह की कल्चरल आर्ट की चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है और काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है, बहुत प्यारी लुक आती है। साथ में आप कोई वास वगैरह रख देते हैं, इस तरह के एंटिक पीसेज हो गए तो यहाँ पर इनके पास वो भी अवेलेबल हैं। मुझे काफ़ी अच्छे लगे। और ये इनके पास छोटी छोटी झुमकियाँ थी 150 की सेल में, 250 की सेल में अवेलेबल थी। इनके पास काफ़ी अच्छी रेंज थी और गोल्डन में, सिल्वर में, मल्टी कलर में आपको अवेलेबल होंगी, यहाँ इनके पास मिल जाएंगी। इनकी शॉप जो है ये है अलमास आउटलेट के बिल्कुल सामने है। इसके अलावा अफ़गानी ज्वेलरी भी इनके पास अवेलेबल थी। इसके अलावा ट्रक आर्ट की चेन्स काफ़ी क्यूट सी थी। इनकी शॉप पर आपको गोल्ड प्लेटेड नेकलेस मिल जाएंगे बिस्मिल्ला और अल्लाह के नाम के, और उनकी प्राइसेस भी काफ़ी डिफरेंट थी, कुछ 2000 to 3000 की रेंज में थी। जो कुछ छोटे छोटे थे उनकी प्राइसेस 1500 थे वो। और इन सब की डिफरेंट प्राइसेस सेम में है, 250, 350, 450
इनके पास मल्टी कलर ज्वेलरी, मल्टी कलर के बैंगल्स और मेटल के बैंगल्स थे और कड़े वगैरह काफ़ी अच्छी क्वालिटी के थे। ये कुछ मग्स थे, डेकोरेशन पीसेस। जय डॉट और दूसरी परफ्यूम्स कलेक्शन पर भी काफ़ी अच्छी सेल लगी हुई थी। इस आज से तकरीबन 1.5 साल पहले मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ से जय डॉट से ही एक परफ्यूम बाय की थी, खुमार। काफ़ी अच्छी थी वो परफ्यूम, बहुत अच्छी स्मेल है, लास्टिंग बहुत अच्छी होती है उसकी, और अंडर 2000 उसकी प्राइस थी समथिंग। और अभी जब मैंने उसकी प्राइस दोबारा मालूम की तो 3000 तक की मिल रही थी वो। इसके अलावा एक और इनकी तरह डॉलमिन मॉल में आपको मेंस वैरायटी भी बहुत अच्छी मिल जाती है, क्वालिटी कपड़े की बहुत अच्छी है और स्टफ बहुत अच्छा है। यहाँ डॉलमिन मॉल से शॉपिंग करने के बाद हम आगे थे बाहर, बाहर की शॉप्स विज़िट कर रहे थे। इसके बाद हम आगे थे राबी सेंटर। एक्चुअली मेरी सिस्टर की अभी शादी करीब हुई है, सो वो अपने बड़ी के लिए कुछ ड्रेसेस बाय करने। दुपट्टा भी दिखा दीजिएगा इसका। आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और कंटेंट के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को आपने क्लिक करना है ताकि इन फ्यूचर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।